मैं सरबजीत कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन वीर कला। बच्चे अज का अपना टॉपिक है कविता की सिक्ख्या। भी कविता की है? कविता कहते साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है जिन्हों सधारण रूप के छंदमई रचना जो होंगी है इस विचार की थानते इन अपने भावों की प्रधानता कहते पूरी होंगी है प्रधानता होंगी है। ये सारे जो होंगे कविता के अपने मन के भाव होंगे ने योजे जो भी अपने मन के भाव उभरते हैं उन्होंने आप करते हैं आप कविता के रूप में पेश करते हैं। इस तो की होंगे कहते कविता तो आनंद के रस की कहते प्राप्ति होंगी है आनंदमय होंगी है। इसके चार तत्व होंगे ने जिमें कि हो गया भाव तत्व हो गया कल्पना तत्व हो गया बुद्धि तत्व हो गया तो शैली तत्व हो गया। ये चार तत्व की ने जोड़े मेन होंगे ने इस कहते जी भाषा की ज भाषा की सुंदरता की ये होंगी है अलंकारा के नाल होंगी है शब्दों दक्तियों के नाल होंगी है छंद संगीतमई की है शामिल है संदा के एक संगीत शामिल होंगे गा जिस कविता की होंगी है एक रसमई हो जाती है रसमई भरपूर हो जाती है। संस्कृति के जो काव आ काव के कहते दो रूप मने जाते होंगे ने एक तो गद काव तो एक पद काव। पद काव का अर्थ होंगे है छंदमई रचना तो हैगा जिस कहते ताल लय गति आदि रूप का कहते पूरा की रखा जाता ध्यान रखा जाता है। कविता जी कहते छंद वध भी हो सकती है तो छंद रहित भी हो सकती है भाव कि यह छंदा के बदली होंगी है तो एक ये खुली कविता भी होंगी है जिन्हों आप छंद रहित कविता बोलते हैं। इस एक भावमई कहते गद भी कविता हो सकती है जिदे अपने मन के भाव होंगे ने इस तरह कहते हरेक पद रचना कविता हो सकती है परंतु जी कविता पद हो जरूरी नहीं है भाव कि हरेक पद जी रचना जी कविता हो सकती है परंतु कविता पद हो जरूरी नहीं होंगे है। कविता की परिभाषा कहते यदा संकल्प की है जी कविता की परिभाषा देनी कहते सब तो मुश्किल है क्योंकि कहते यह महसूस करने की चीज़ है देखने की नहीं है कि इसमें कविता की आप महसूस कर सकते हैं वो जो भाव ने जो शब्द की कर सकते आप महसूस कर सकते हैं। हरेक साहित्यकार जां विद्वान कहते इन अपने ढंग के नाल कहते इसकी परिभाषा देंगे ने जिमें कि अस्तुत के अनुसार कहते जी कविता की भाव की भावात्मिक जां लय रूप भरपूर भाषा के माध्यम द्वारा कहते प्रकृति की नकल है भाव की जो अस्तुत है ये कहते जो कविता की ये भावात्मिकता है भाव की अपने भावों प्रगट करना गा एक लय भरपूर भाषा की जिस दे माध्यम द्वारा कहते आप प्रकृति की की करते हैं एक नकल करके पेश किया जाता है। इस दे विच कहिंदे अंतरिक अनुभाव ते बाहर दे अनुभाव दियां कविता बनती है। ये कहिंदे एक मानण वाली वस्तु है जिस दे नाल कहिंदे संस्कृत विद्वाना दे काव दे वख वख आधार मने जाते हैं। तो आचार्या होया एक विद्वान होया आचार्या जिहड़ा कहिंदा आत्मिक वाक ही कविता हुंदा उह की कहिंदा कहिंदे आत्मिक वाक आ जिहड़ा कहिंदे उह की है एक काव काव रूप हुंदा। पंजाबी के प्रसिद्ध कवि ने प्रोफेसर पूर्ण सिंह होए ने जिहड़े प्यार दे विच मोए बंदियां दे बचन अते साध बचन ही कहि के इह कविता मानदे ने जिवें कि प्रोफेसर मोहन सिंह प्रोफेसर पूर्ण सिंह ने कहि के इह खुली कविता लिखते ने। तो उसके अनुसार कविता जीवन की अंदरली रसपई दशा का नाम है जिहड़े अपने मन के अंदर दशा उहनूं बयान करदी है।